ये वैसे भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल और वोल्टिक सेल का, तो इसी को पढ़ना है हमने और उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने करने हैं, और ताकि इसका जो कंसेप्ट है आपके जेहन में क्लियर हो जाए। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट देकर केमिकल चेंज को प्रोसीड किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट देंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, उसके बाद केमिकल रिएक्शन होगा और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव होता है। एनोड को हम क्या करते हैं, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके साथ जोड़ देते हैं। एनोड को हम क्या करते हैं बेटा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। It is a non-spontaneous process. बेटा ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। करंट फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो इलेक्ट्रिक की जो करंट फ्लो करेगा वो एक्सटर्नल सर्किट के जरिए फ्लो करेगा। बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा एक्सटर्नल सर्किट के जरिए फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अच्छा, इन वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल बैटरी के अंदर एनोड इज नेगेटिव, बेटा एनोड नेगेटिव है, जो बैटरी है उसके अंदर एनोड नेगेटिव का होता है। वोल्टिक सेल के अंदर एनोड नेगेटिव का होता है, जो वोल्टिक सेल है ये उस पर एनोड जो होता है वो नेगेटिव का होता है। जो एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर, ठीक है। मेटल जो इलेक्ट्रोड होता है, मेटल की जो प्लेट होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मगर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं एनोड पर। देखो सबको कहते हैं जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, तो जो जिंक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल की प्लेट के ऊपर एक्युमुलेट हो जाते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसलिए हम कहते हैं एनोड नेगेटिव है। बेटा देखो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, जो मेटल की प्लेट है वो ऑक्सीडाइज होगी, आयन में तब्दील हो गई पॉजिटिव आयन्स,
जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पे जाएंगे, वो लाजमी बात है मेटल के ऊपर एक्युमुलेट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल की प्लेट के ऊपर एक्युमुलेट हो जाते हैं, इसलिए एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। बेटा एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अच्छा तो एनोड जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, एक्सिलर, इस पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब मेटल ऑक्सीडाइज होगा, मतलब वो जो प्लेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मेटल की प्लेट, तो उसमें से आयन बन जाते हैं पॉजिटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो मेटल के ऊपर एक्युमुलेट हो जाते हैं, इसलिए जो मेटल होता है उस पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एनोड जो है वो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर, वोल्टिक सेल के अंदर, और वो सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का, और वहां से फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड की तरफ जाएंगे, वो होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही होगा एनोड से कैथोड की तरफ होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ होगा, मगर एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू द कैथोड, कैथोड के मुकाबले में, इसलिए ये पॉइंट जरूरी थी कि वोल्टिक सेल के अंदर जो, या गैल्वेनिक सेल के अंदर, या डेनियल सेल जो होता है, डेनियल सेल कॉपर और जिंक, उसमें जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बेटा गैल्वेनिक सेल या बैटरी एनोड इज नेगेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड इज पॉजिटिव, कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन कैथोड पर ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड से कैथोड उधर जाएंगे, मगर जो कैथोड होगा वो एनोड के मुकाबले में पॉजिटिव होगा। क्यों? इन दोनों की जब कंपेरिजन करेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो जाहिर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है, इसी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा, तो कैथोड इज पॉजिटिव। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगी, या एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वहां से फिर फ्लो करेंगे किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, और कैथोड पर जो मेटल आयंस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, मेटल जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेटा रिड्यूस हो जाएंगे मेटल के अंदर। जैसे कल हम पढ़ रहे थे, कल कुछ हमने रिएक्शन पढ़ा था कॉपर और जिंक के बारे में, बेटा कॉपर और जिंक के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेनियल सेल, और ये है कॉपर और जिंक, बेटा जो डेनियल सेल है वो क्या है, इसमें जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड, बेटा जिंक एनोड होगा और कॉपर क्या होगा, कैथोड होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा, जिंक ऑक्सीडाइज और जो कॉपर होगा वो रिड्यूस होगा, कल हमने पढ़ा था, ठीक है, और जो उसकी सेल पोटेंशियल होती है
ठीक है, वो होती है 1.1 वोल्ट। देखो कल भी हमने ये पढ़ा था, एक्चुअली इस तरह होता है, जिंक आइंस है, जिंक आइंस जब वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जिंक आइंस, तो जिंक मेटल में तब्दील हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ये एक्यूस जिंक आइंस है, ये जो जिंक आइंस है उस सॉल्यूशन के अंदर है, ये जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिंक मेटल बन गया। इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस की 0.76 वोल्ट है। कॉपर आइंस है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर सॉलिड में तब्दील हो जाता है। अब देखो ये जिंक आइंस हो गए, ये कॉपर हो गए। अच्छा अब क्या होगा, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। अच्छा इसी रिडक्शन पोटेंशियल से डिसाइड होगा ऑक्सीडाइज कौन होगा। तो याद करो जिसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होती है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की होती है वही ऑक्सीडाइज होता है। बेटा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की होगी ऑक्सीडाइज वही होगा। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिंक होगा। जिंक एनोड पर जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि जिंक की वैल्यू नेगेटिव की है। तो याद कर लो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे आपको पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है वो सबके सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब है जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इस रिएक्शन के अंदर। जिंक जब रिड्यूसिंग एजेंट है उसका मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक का रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्यों, एक्चुअली आपको जो गिवन होंगे सभी रिडक्शन पोटेंशियल होंगे, उसमें तो सारे रिड्यूस हो रहे हैं। जब रिएक्शन होगा एक को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, दूसरे को रिड्यूस होना पड़ेगा। देखो आपको जो वैल्यूज गिवन होंगी बेटा, सब एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन होंगी कंपैरिजन के अंदर। ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे पूरी इनकी सीरीज होगी, वो सब के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगी, सारे रिड्यूस हो रहे होंगे, मगर उनकी रिडक्शन पोटेंशियल डिसाइड करेगी कि इनमें रिड्यूस कौन होगा, ऑक्सीडाइज कौन होगा। जब दो इलेक्ट्रॉन्स को हम कंबाइन करते हैं, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन को और जिंक इलेक्ट्रॉन को जब हम कंबाइन करेंगे, एक वोल्टिक सेल बनाते हैं बेटा, एक वोल्टिक सेल बनाते हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि वोल्टिक सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, दो हाफ सेल्स होते हैं, एक में ऑक्सीडेशन होती है दूसरे में रिडक्शन। हर हाफ सेल के अंदर मेटल की प्लेट को डिप करते हैं उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में, मतलब कॉपर की प्लेट उसको डिप करेंगे कॉपर सल्फेट में, जिंक की प्लेट को डिप करेंगे जिंक सल्फेट में। हाँ अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खुद ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वोल्टिक सेल इलेक्ट्रॉन खुद ही प्रोड्यूस करता है, वोल्टिक सेल स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है। मगर जो वोल्टिक सेल है, ठीक है, बैटरी वगैरह ये जो भी आप, ये क्या है, वोल्टिक सेल जो है स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ही करंट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस तरीके से। हाँ अब ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा, अगर आपको वैल्यू देकर पूछा जाए, ये आपको वैल्यू दिए और आपसे पूछा जाता है भाई इनका वोल्टिक सेल बनाना है तो इनमें एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है वो ऑक्सीडाइज। हाँ अगर आपको दो एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल दोनों माइनस की हो, फिर हो सकता है दो एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल दोनों माइनस की गिवन हो, जिसकी ज्यादा माइनस की होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा माइनस की होगी वही ऑक्सीडाइज होगा और जिसकी कम माइनस की होगी वो रिड्यूस होगा। दो एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल दोनों पॉजिटिव की है तो जिसकी कम पॉजिटिव वैल्यू है वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी ज्यादा पॉजिटिव के लिए रिड्यूस होगा। तो बेटा डिसाइड करना आसान है, या सीरीज याद कर लो, फिर सीरीज में जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और नीचे वाला रिड्यूस होगा। बेटा सीरीज में दो एलिमेंट्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो जो सीरीज में ऊपर वाले एलिमेंट है और ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होती है, क्योंकि सीरीज स्टार्ट होती है लिथियम से,
ये सीरीज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो लिथियम से स्टार्ट होती है, लिथियम टॉप पे है जिसकी वैल्यू -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.5 वोल्ट है इसकी, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वो सबसे टॉप पे है, तो इसका मतलब वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसके बाद रिड्यूसिंग पावर कम होता जाता है, तो इसको मतलब है या तो हम सीरीज याद कर लें, सीरीज की सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस में जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो नीचे वाला होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो इसके अंदर ये जिंक जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज, ये क्या होगा ऑक्सीडाइज, इट इज एलो, ये क्या बन जाएगा एनोड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा एनोड बनेगा जिसपे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, और रिएक्शन ऑफ जिंक विल रिवर्स, जिंक का रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स क्यों कह रहा हूं मैं रिवर्स, क्योंकि यहां पे तो रिडक्शन पोटेंट रिडक्शन रिएक्शन दिया गया है, रिवर्स करोगे तो जिंक लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन और कॉपर गेन करेगा, यहां पे तो दोनों गेन कर रहे हैं, यहां पे दोनों की कंपैरिजन दी गई है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की कंपैरिजन की दी गई है, डिसाइड तो आपने करना है कि ऑक्सीडाइज किसको करना है किसको रिड्यूस करना है, तो जिंक माइनस की वैल्यू है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की, यही ऑक्सीडाइज होगा, तो बेटा जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज इट्स एनोड, ये क्या हो जाएगा एनोड हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा रिएक्शन, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन गए और दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिएक्शन ऑफ जिंक विल रिवर्स, जिंक का रिएक्शन क्या हो जाएगा रिवर्स होगा, रिवर्स में वो लूज करेगा और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, अब ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल हो जाएगी पॉजिटिव की, ठीक है, अब आते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब क्वेश्चन है कि कॉपर मेटल या आयन, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर आयन है या कॉपर मेटल है, बेटा कॉपर मेटल नहीं होगा, एक्चुअली लिखा तो कॉपर के बारे में हमने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर इसकी जगह पे मैं लिख दूं कॉपर आयन्स गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट रिड्यूस, ये क्या रिड्यूस होगा एंड एक्ट एज कैथोड, और एक्ट करेगा कैथोड के तौर पर, इसका मतलब है कॉपर जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, एट केथोल कॉपर क्या हो जाएगा केथोल पर डिपॉजिट हो जाएगा, अच्छा ओवरऑल रिएक्शन, अब कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल जो है
0.34 वोल्ट। इसका मतलब कॉपर के रिएक्शन को तो हमने चेंज किया ही नहीं है, हमने तो चेंज जिंक को कर दिया, जिंक के रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, कॉपर को तो वैसे रहने दिया हमने, क्योंकि एक ने रिड्यूस होना है दूसरे ने ऑक्सीडाइज होना है, तो एक के रिएक्शन को हमने रिवर्स करना है, एक के रिएक्शन को हमने रिवर्स करना है। क्यों रिवर्स कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे तो दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए रिवर्स तो करेंगे ना, ताकि एक लूज करे दूसरा गेन करे, तभी एक वोल्टिक सेल बनेगा ना, वोल्टिक सेल तभी बनेगा, तभी करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा जिंक से कॉपर की तरफ। लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करेगा। रिएक्शन को इस तरह लिखा जाएगा, जिंक सॉलिड है ये, इससे जिंक आयंस बन जाएंगे बेटा, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन जाएंगे, और ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज के बगैर रिएक्शन फ्लो मतलब ये अधूरा है समझे, साल्ट ब्रिज होती है वो सर्किट को रिएक्शन को कंप्लीट कर देती है। अब देखो साल्ट जो ब्रिज है वो पोटेशियम क्लोराइड जेली की बनी होती है, इसका काम होता है आयन को ट्रांसफर करना बेटा, ये जो साल्ट ब्रिज है इसका काम होता है आयन की डिफ्यूजन, आयन डिफ्यूज होंगे इसके जरिए, क्यों कि भाई यहां पे जिंक आयन्स बढ़ जाएंगे, जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक आयन बढ़ जाएंगे, एक जो कंपार्टमेंट है जहां पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहां पे जिंक आयन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखें, कल भी आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर इस तरह होता है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक की प्लेट है, इसको जो डिप किया हुआ है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है 1 मोलर, और कॉपर प्लेट है ये, या कॉपर इलेक्ट्रोड बोल दो जिसको हमने डिप किया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, वो भी 1 मोलर है, इसके अंदर जिंक आयंस है, सल्फेट आयंस है, इसके अंदर कॉपर आयंस है, सल्फेट आयंस। अब देखो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, जितनी पॉजिटिव चार्जेस है उतनी नेगेटिव चार्जेस है, ये भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जोड़ेंगे पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। और ये साल्ट ब्रिज है, पोटेशियम क्लोराइड जेल की बनी हुई है, ठीक है। इसके जरिए आयन ट्रांसफर होंगे, इसके जरिए क्या होंगे, आयन की डिफ्यूजन होगी। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या है, डिफ्यूज आयन्स,
आयन को डिफ्यूज करेगी ये, मतलब डिफ्यूज का मतलब है अगर इस कंपार्टमेंट के अंदर जिंक आयन्स बढ़ गए क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होगा, देखो जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, जिंक आयन्स जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन पहले जिंक आयन और सल्फेट आयन क्या थे पहले बेटा, जिंक आयन और सल्फेट आयन जो थे समझे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर थी इनके अंदर। अब क्या हो जाएगा जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक आयन जब इस कंपार्टमेंट में जाएंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगी और यहां पे कॉपर जो आयन्स है वो रिड्यूस होना शुरू करेंगे, ये कॉपर आयन्स रिड्यूस होना लगेंगे, कॉपर आयन्स रिड्यूस हो गए कॉपर मेटल में तब्दील हो गए, तो यहां पे सल्फेट आयन बढ़ जाएंगे, नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे, तो फिर क्या होगा आयन की ट्रांसफर होगी, जिंक आयन्स यहां से निकलेंगे। देखो ये जिंक आयन्स है क्या, ये जिंक आयन्स यहां से ट्रांसफर होगी और जो सल्फेट आयन यहां पे ज्यादा है ट्रांसफर होंगे ताकि सॉल्यूशन न्यूट्रल रहे। बेटा सॉल्यूशन क्या रहे, न्यूट्रल से मुराद है कहीं भी चार्ज की एक्युमुलेशन ना हो जाए, कहीं भी चार्ज की एक्युमुलेशन को रोकने के लिए साल्ट ब्रिज लगाया हुआ है, अगर इस साल्ट ब्रिज काम नहीं करेगा तो चार्ज की एक्युमुलेशन हो जाएगी, इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगी, इस साइड पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा आयंस की वजह से, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये साल्ट ब्रिज क्या करती है, न्यूट्रलिटी को बरकरार रखती है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखती है, उसको रखने के लिए साल्ट ब्रिज लगाया गया, ये आयन को ट्रांसफर करेगी, इसके जरिए आयन डिफ्यूज होंगे, सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं जाएगा, सिर्फ आयन ट्रांसफर होगी। बेटा सॉल्यूशन की मिक्सिंग नहीं होगी, मैं बता देता हूं, साल्ट ब्रिज सॉल्यूशन को अलो नहीं करेगा, सिर्फ आयन को ट्रांसफर करेगा, सिर्फ आयन को ट्रांसफर करता है, ठीक है। जिस तरह हमारा एक स्टमक सिस्टम होता है या इंटेस्टाइन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, सेल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, इस तरह आयन से डिफ्यूज हो जाएंगे, आयन की डिफ्यूज होगी, आयन डिफ्यूज होंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन डिफ्यूज नहीं होगा, आयन डिफ्यूज होगी, सॉल्यूशन मिक्स नहीं होगा। अच्छा, और जिसके जिससे सॉल्यूशन एज ए होल रिमेन न्यूट्रल, कहीं भी चार्ज की एक्युमुलेशन नहीं होगी, तो ये साल्ट ब्रिज का फंक्शन है, मैं बता देता हूं, साल्ट ब्रिज का फंक्शन है आयन को डिफ्यूज करना, ठीक है, अगर यहां पे पॉजिटिव आयन एक्युमुलेट हो गया तो पॉजिटिव आयन यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर यहां पे नेगेटिव आयन एक्युमुलेट हो गया तो नेगेटिव आयन इधर आ जाएंगे, लाजिम बात है एनोड वाले कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है पॉजिटिव आयन बनते ही, तो लाजिम बात है एनोड वाले कंपार्टमेंट में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगी, और जो कैथोड कंपार्टमेंट है वहां पे पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो जाते हैं, लाजिम बात है जब पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो गए कॉपर आयन रिड्यूस हो गए तो सल्फेट आयन बढ़ जाएंगे, तो फिर उनको न्यूट्रल रखने के लिए ये साल्ट ब्रिज लगाए जिसके जरिए आयन को ट्रांसफर हो जाएगी और सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अगर वो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहती है, चार्ज की एक्युमुलेशन हो जाती है, तो समझे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा करंट फ्लो होना, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो जिंक है, मैं आपको पहले बता दूं जिंक जो ये है इस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की चार्ज बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होगा। बेटा जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, आयन चले गए सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर मेटल के ऊपर एक्युमुलेट हो जाते, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के ऊपर एक्युमुलेट हो गए, देखो इसके इसके ऊपर एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सी आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी एनोड पर, क्यों भाई एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन नहीं अपना जो है मेटल ऑक्सीडाइज होता है, आयन निकलते हैं, आयन चले जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के ऊपर एक्युमुलेट हो जाते हैं, इसलिए एनोड पर इलेक्ट्रॉन की संजय कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अब इलेक्ट्रॉन एनोड से मूव करेगा फिर जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन का फिर ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा ज्यादा है, तो यहाँ से मूव करेंगे फिर जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो कॉपर आयन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जो कॉपर आयन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे गेन करेंगे, ये कॉपर आयन्स है सॉल्यूशन के अंदर,
ये जो कॉपर आयंस मैंने कहा कॉपर सल्फेट का मतलब कॉपर आयंस वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे गेन करेंगे, गेन करके कॉपर मेटल में एक्युमुलेट हो जाएगा और मेटल जो होता है वो उसके ऊपर एक्युमुलेट हो जाएगा कॉपर मेटल। आस्ता आस्ता एनोड की सतह कम होती जाएगी, ये जो एनोड की प्लेट है वो खत्म होती जाएगी आस्ता आस्ता बिल्कुल ही, और कॉपर की जो प्लेट है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, वापस कर सकते हो मगर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। जैसे बैटरी होती है, बैटरी में जितना करंट है मतलब सपोज करते हैं उतना वो करंट देती रहेगी, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये रेशन भी स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं बैटरी को हम चार्ज करते हैं, तो बैटरी को चार्ज करते रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स होता है, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और जिंक रिड्यूस होगा, वापस जिंक क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो इसका मतलब रिएक्शन, फिर उसमें रिएक्शन रिवर्स होता है मगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से हो रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से। नॉन स्पॉन्टेनियस तरीका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इसको चार्ज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इसको आप रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो। बाकी खुद अपनी मर्जी से छोड़ेंगे तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा, रिएक्शन इस तरह हो जाएगा। जिंक से बन के जिंक आयन और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की है 0.76 वोल्ट। कॉपर हो गया रिड्यूस, ये जिंक सॉलिड था, कॉपर हो गया रिड्यूस, दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर सॉलिड बन जाता है और उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट है। अब ऐड करोगे तो दो इलेक्ट्रॉन दो में कैंसिल हो गए, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयंस, ठीक है क्या बन गया, जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड। अच्छा ई सेल, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, जो रिएक्शन को ड्राई कराती है, रिएक्शन को क्या करती है ड्राई कराती है, ठीक है, कि किस फोर्स से इलेक्ट्रॉन जो हम लोग मूव करेंगे, ये बताएगी कि किस फोर्स से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ। और ई सेल जो है वो डिफरेंस है, दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान बेटा डिफरेंस है, ये बता देता है दो इलेक्ट्रोड के दरमियान डिफरेंस है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट जल्दी फ्लो करेगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट जल्दी फ्लो करेगा इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। अगर डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी कम होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो एनोड से कैथोड तरफ है वो डिपेंड करता है इनके डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना फर्क आ जाता है, ठीक है। तो ई सेल जो है ये बता रहा है ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। अच्छा रिडक्शन किसके अंदर हो रही है, या ई कैथोड प्लस ई एनोड, इससे भी लिखा जाता है ई कैथोड प्लस ई एनोड, वही बात है कैथोड पे रिडक्शन होती है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। वैल्यूज कितनी है इसकी, 0.76 प्लस 0.34 प्लस 0.76 तो जवाब आएगा 1.1 वोल्ट। और रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा अब देखो ये रिएक्शन अगर आपको दिया गया है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू हो जाएगा। ब्लू सॉल्यूशन है इसका, थोड़ी देर के बाद देखेंगे ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, ब्लू कलर क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाता है।
फिनिकुलर डिसअपीयर हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब है रिएक्शन हुआ है इनके दिल में, ठीक है। और क्या बन गया, पहला कॉपर मेटल बन गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये। अच्छा, अगर इस तरह रिएक्शन किया जाए आपको, कॉपर मेटल है प्लस जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सॉलिड, बेटा ये कॉपर मेटल है और प्लस जिंक सल्फेट है ये, जिसके अंदर जिंक आयंस हैं, तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, मगर नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से करवा सकते हैं, नो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप कह सकते हैं। इनका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई नहीं, इसका मतलब है जो जिंक आयंस है वो कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। देखो क्यों, इसलिए कि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है। जो सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, मगर नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखो सीरीज इस तरह की है, सीरीज में ये सीक्वेंस इस तरह की है, जिंक आयंस है, जिंक मेटल, हाइड्रोजन आयंस है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाती है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल 0.0। अच्छा, कॉपर आयंस है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर मेटल बन जाता है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। तो सीरीज में देखो ये ऊपर एलिमेंट है, ये नीचे वाला इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। देखो बेटा कॉपर ऑक्सीडाइज H2 एंड जिंक, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिंक को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद रिड्यूस हो सकता है स्पॉन्ट तरीके से, मतलब कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिंक को भी, क्योंकि ये इनसे ऊपर है, ठीक है। कॉपर ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन एंड जिंक। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज जिंक बट नॉट कॉपर, कॉपर को नहीं, हाइड्रोजन को जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकते, कॉपर को नहीं कर सकते। बेटा जो हाइड्रोजन है वो जिंक को तो ऑक्सीडाइज कर देगी, ऊपर वाले को कर लेगी और खुद रिड्यूस हो जाएगी, मगर कॉपर को नहीं कर सकती, कॉपर उसके नीचे है, ठीक है। और जिंक विल नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है, जिंक विल नॉट ऑक्सीडाइज H2 एंड जिंक कॉपर, तो जिंक दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, जिंक दोनों को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये ऊपर है, मगर जिंक रिड्यूस कर सकता है दोनों, जिंक रिड्यूस, जिंक ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता मगर जिंक रिड्यूस कर सकता है, जिंक रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड कॉपर आइंस, बेटा जो जिंक है वो रिड्यूस कर सकता है, जबकि कॉपर दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कॉपर जिंक को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, हाइड्रोजन को भी, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज करेगा सिर्फ जिंक को, कॉपर को नहीं, जिंक दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि जिंक के नीचे है। हाँ, जिंक से कोई ऊपर वाला और एलिमेंट तो उसको कर सकता है,
तो अब इसलिए ये रिएक्शन हो गई नहीं, क्योंकि इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसके अंदर जिंक रिड्यूस हो रहा है। जिंक क्या हो रहा है? जिंक में रिडक्शन हो रही है। जिंक में क्या हो रही है? रिडक्शन। और कॉपर में क्या हो रही है? कॉपर में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। पॉसिबली नहीं, मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये रिएक्शन हो जाए। देखो भले आप कर लो, अच्छा अब क्या करो, कॉपर को ऑक्सीडाइज करें। जब हम कॉपर को ऑक्सीडाइज करें तो कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। बेटा कॉपर को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कॉपर की हम लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है? ये 0.34 है। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी? अच्छा रिडक्शन किस में हो रही है? जिंक में। तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। जिंक रिड्यूस हो रहा है। कितनी वैल्यू है जिंक की? -0.76। अब ऐड कर दो तो कॉपर प्लस जिंक आइंस, कॉपर आइंस प्लस जिंक, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा? इसका निकालें ई सी एल। ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन किस लिए हो रही है? रिडक्शन हो रही है जिंक के अंदर, माइनस की 0.76। ऑक्सीडेशन किस में हो रही है? कॉपर में, -0.34। तो जवाब क्या आएगा? -1.11। नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा बेटा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इसको रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो। इस रिएक्शन को रिवर्स करना है ना, ये जो रिएक्शन आपको मैंने पहले पढ़ाया था, ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इसको रिवर्स कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी के जरिए क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जब आप इसमें से इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो फिर रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। जिंक रिड्यूस होना शुरू करेगा और कॉपर ऑक्सीडाइज होना शुरू करेगा और रिएक्शन इस तरह का हो जाएगा जो अभी मैंने लिखा है, इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका मतलब है वोल्टिक सेल के अंदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। स्पॉन्टेनियस खुद ही खुद होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। अच्छा तो कल जो हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मगर इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा था कि जो वोल्टिक सेल है वो स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है। तो वोल्टिक सेल मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर दो हाफ सेल्स हम यूज करते हैं, एक में रिडक्शन होती है, दूसरे में ऑक्सीडेशन होती है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, जो हम कहते हैं ई सेल निकालते हैं, जो वोल्ट मीटर रीडिंग बताता है, एक्चुअली वो डिफरेंस बताता है, जो वोल्ट मीटर रीडिंग देता है वो डिफरेंस बताता है। और जितना डिफरेंस ज्यादा होगा इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज में, उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा, उतनी ज्यादा फोर्स होगी, उतना ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एनोड से कैथोड की तरफ। तो अब आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कल आपको मैंने पढ़ाया था,
तो ये इसका मतलब यही है कि वोल्टेज स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होते हैं। बेटा देखो वही तो हो रहा है ना, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरा कॉपर था, ऑक्सीडाइज जिंक हो रहा था, कॉपर रिड्यूस हो रहा था, ठीक है। और क्या होता है फिर, होता ये है, मैं देखो ठीक है, अब देखो जिंक जब ऑक्सीडाइज हुआ, बेटा जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक ने जिंक आयन बना दिए, जिंक ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, जिंक आयन बना रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्युमुलेट हो जाते हैं, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है किसके दरमियान, जिंक आयन और जिंक मेटल के दरमियान। बेटा देखो ये जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक आयन बन रहे हैं, जिंक आयन सॉल्यूशन के अंदर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्युमुलेट हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है इसके दरमियान, मेटल आयन और मेटल के दरमियान। देखो मेटल आयन का मतलब जिंक आयन और जिंक मेटल के दरमियान, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको हम, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा अगर ये वैल्यू नेगेटिव की है, अगर ये वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव की है, तो इसका मतलब है कि ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये एनोड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव की है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की है, तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रोड कैथोड बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसमें रिडक्शन होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें पता चलता है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही तो बताता है हमें कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव की है तो समझ जाओ कि एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, मेटल के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, जो इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लूज करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की है तो समझ जाओ कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके अंदर रिडक्शन होगी। तो यही है जो हमें बताता है, देखो आपको पहले ही आपको मैंने बता दिया कि वोल्टिक शील्ड के अंदर मेटल की प्लेट को डिप करते हैं उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में, मेटल की प्लेट को डिप करें उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज क्रिएटेड बिटवीन मेटल, बिटवीन मेटल, ये मेटल है, इलेक्ट्रोड एंड आयन, ठीक है, मेटल और आयन के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, मेटल और आयन के दरमियान क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है। क्यों इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, क्योंकि ये मेटल आयन है, अब ये क्या इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा इस तरह। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, क्रिएटिव बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आयन, मेटल उसके अपने आयन के दरमियान या उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन के दरमियान, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम is established between metal ion and metal, देखो ये zinc ion है, ये बेटा zinc ion है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
गेन करेगा, किसमें तब्दील हो जाएगा, जिंक सॉलिड के दिन में। तो अब देखो ये क्या आयन है, ये आयन और मेटल इनके दिन में देखो इक्विलिब्रियम स्टेट, इनके दिन में क्या होती है इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि -0.76। तो ये माइनस की वैल्यू बता क्या रही है, माइनस की बता रही है कि ये जो लेफ्ट फ्लो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहेगा करेगा, ठीक है, ये लूज करने को प्रेफर करता है, गेन करने से बजाय लूज करने को प्रेफर करता है, ये कैथोड बनने के बजाय एनोड बनना पसंद करेगा, मतलब ये कैथोड बनने से मतलब प्रेफर किसको करेगा, एनोड बनना पसंद करेगा, लूज करने में ये माहिर है या इसके लूज करने की सलाहियत ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर्स का ज्यादा है, मतलब यही इसको तस्वर किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज एबिलिटी ऑफ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेटल की वो एबिलिटी है, सलाहियत है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, वो वैल्यू पर डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से कहां पे रखा हुआ है उसी पे डिपेंड करता है। तो आप देखो कॉपर आयंस नहीं है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर मेटल बन जाता है और इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगी। तो अब मैं बता देता हूं के कंपैरिजन के लिए, मैं बता देता हूं आपको कंपैरिजन के लिए सब एलिमेंट्स की जो पोटेंशियल रखते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, ताकि आप कंपेयर करना आसान बन जाए, सबकी रिडक्शन पोटेंशियल होगी, सारे रिड्यूस हो रहे होंगे, मगर वो वैल्यू से पता चलेगा कि उसका रिड्यूसिंग पावर कितना है या ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना है। अगर जितनी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव की होगी, जितनी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव की है उतना उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, उतना वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, वो एनोड पे चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव की है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, उसमें रिडक्शन होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0.34 है। बाकी एलिमेंट भी है मगर ये ज्यादातर यूज होते हैं क्योंकि डेनियर सेल के अंदर ज्यादा इसको लेकर आओ, तो यहां से पता चलता है एबिलिटी का, ये लूज करेगा ये गेन करेगा, ये कह रहा है इलेक्ट्रो पोटेंशियल से हमें पता चलेगा कि एलिमेंट लूज करेगा या गेन करेगा, अगर दो दिए गए तो उसमें ये लूज करेगा ये गेन करेगा, ये एनोड हो जाएगा ये कैथोड हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट इनमें है कौन, ज्यादातर बच्चों का जवाब गलत होता है, वो कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से जिंक आयन है, बेटा जिंक आयन क्या लूज करेगा, उसके पास वो ऑलरेडी लूज कर चुका है, एक्चुअली इसका रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है, इसमें भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन हो रही है, इसमें भी रिडक्शन हो रही है, ये तो दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब है इसका जिंक का रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, रिवर्स में जिंक लूज करेगा लेकर, तो रिड्यूसिंग एजेंट जिंक हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कॉपर मेटल होगा या कॉपर आयन होंगे। अब देखो गेन कौन कर रहा है, कॉपर मेटल कर रहा है या आयन गेन कर, तो आयन गेन कर रहे हैं, इसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो जिंक मेटल होगा, उसके रिएक्शन को रिवर्स होना पड़ेगा, आप मैं समझा चुका हूं पहले भी, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कॉपर आयन होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सिंस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल cannot be measured, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रो पोटेंशियल का मेजर नहीं कर सकते, किसी भी एलिमेंट की सिंगल इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते बेटा, किसी भी एलिमेंट की सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को आप मेजर कर ही नहीं सकते,
क्योंकि हमें जो कंपेयर कंपैरिजन मिलती है, जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यूज मिली हुई है आपको, ये जो जिंक की देख रहे हैं, ये जिंक की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं है। ये जो कॉपर की वैल्यू नजर आ रही है, कॉपर की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं है, ये हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई है। बेटा याद कर लो, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल नजर आ रही है, आपके पास बुक भी पड़ी है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यूज है, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रो पोटेंशियल है ही नहीं। किसी एलिमेंट की सिंगल इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं है, ये एक्चुअली हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई है। ये डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंस को शो करेगा, अकेले इलेक्ट्रो पोटेंशियल को शो नहीं करता। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रो पोटेंशियल को आप मेजर नहीं कर सकते, मैं बता देता हूँ, कैन नॉट बी मेजर्ड। इट इज कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन लिक्विड। इसको हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। बेटा कंपेयर क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके ये वैल्यू निकाली गई है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके वैल्यू निकाली गई। कंपैरिजन के लिए हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, जैसे एटॉमिक मास को मैलूम करने के लिए हम कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मैलूम करने के लिए हम फ्लोरिन से कंपेयर करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कंपेरिजन है, तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई है। ठीक है, तो इट इज कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हिच इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और आर्बिट्रली इसकी वैल्यू हमने अपनी मर्जी से वैल्यू रखी है, तो आर्बिट्रली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फिक्स है, उसकी जो वैल्यू फिक्स की हमने अपनी मर्जी से रखी है एज ए जीरो इलेक्ट्रॉन नहीं रखी है। बेटा हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जीरो रखी है हमने। तो जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की रखी है हमने अपनी मर्जी से रखी है कंपैरिजन के लिए, वो जीरो है। जीरो पॉइंट जीरो फोर। तो कंपैरिजन के लिए हमने हाइड्रोजन की वैल्यू क्या रखी है, जीरो पॉइंट जीरो फोर। रिडक्शन पोटेंशियल भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो है और जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी क्या है, ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो भी क्या रखी है, जीरो पॉइंट जीरो। तो आर्बिट्रली हमने हाइड्रोजन की जो वैल्यू रखी है अपनी मर्जी से रखी है, फिक्स की हाइड्रोजन की कंपैरिजन के लिए, वो जीरो पॉइंट जीरो वोल्ट। अच्छा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेड ऑफ प्लैटिनम प्लेट। बेटा जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड प्लैटिनम प्लेट का बना, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो मेटल का बनता है। देखो इलेक्ट्रोड तो बनता मेटल का है, कॉपर का इलेक्ट्रोड बन सकता है, जिंक का बन सकता है, हाइड्रोजन गैस का तो इलेक्ट्रोड बन नहीं पाएगा। देखो हाइड्रोजन गैस है उसका इलेक्ट्रोड बन नहीं पाता, बन नहीं सकता हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसलिए हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर की प्लैटिनम की प्लेट का बना हुआ है। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, अगर कोई पूछे भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, कौन से मेटल का बना हुआ है, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम प्लेट का बना हुआ है। इमर्स प्लेस इन
वन मोलर सुलूशन सल्फ्यूरिक एसिड, वन मोलर सुलूशन सल्फ्यूरिक एसिड, इसको रखेंगे किसके अंदर, इसको डिप करते हैं वन मोलर सुलूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ताकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स हो। बेटा देखो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम प्लेट का बना हुआ है, ठीक है, और जिसको हम डिप करते हैं किसके अंदर, वन मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ताकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स हो, क्योंकि मेटल की प्लेट को डिप करते हैं उसके अपने आयन्स की सोल्यूशन में, और प्लैटिनम जो प्लेट है उसके अंदर मुसलसल हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, प्लैटिनम जो प्लेट है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो एक्युमुलेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एक्युमुलेट लेयर बना लेती है, प्लैटिनम प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन गैस का लेयर बन जाता है, या प्लैटिनम प्लेट के ऊपर कोटिंग हो जाती है हाइड्रोजन की, और वो प्लेट ऐसी लगेगी जैसे पूरी हाइड्रोजन की बनी हो, मतलब वो प्लैटिनम की प्लेट तो प्लैटिनम की है मगर उसके ऊपर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस को उसके अंदर पास करते रहते हैं, ताकि प्लैटिनम प्लेट उसके ऊपर जो कवर हो, एक्युमुलेशन हो, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एक्युमुलेट हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए, एडजॉर्ब का मतलब है ऊपर की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन का लेयर हो। तो अब देखो इस तरह होता है, ये प्लैटिनम की प्लेट है बेटा, ये प्लैटिनम मेटल की प्लेट है, इसको डिप करेंगे किसके अंदर, वन मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या HCl, इसी के लिए, और इसी प्लैटिनम प्लेट के अंदर क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इसके अंदर वन एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो प्लैटिनम जो प्लेट होगी इसके गिर्द में क्या होगी, ये बेटा ये हाइड्रोजन का लेयर बन जाएगा, यहां इसके बाहर हाइड्रोजन गैस एक्युमुलेट हो जाएगी, है तो ये प्लैटिनम की प्लेट, मगर इसके ऊपर लेयर किसका है, हाइड्रोजन का लेयर होगा पूरा, प्लैटिनम की प्लेट है जिसके ऊपर कोटिंग किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी, मेकअप किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, तो ऐसे लगेगा वो हाइड्रोजन की बनी हुई है, तो प्लैटिनम प्लेट मगर उसके ऊपर कोटिंग हाइड्रोजन की है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मुसलसल पास कर रहे हैं, ताकि वो प्लैटिनम जो प्लेट है उसके ऊपर एक्युमुलेशन हो जाए, हाइड्रोजन गैस एक्युमुलेट हो जाए, हाइड्रोजन गैस जो है एडजॉर्ब हो जाए प्लैटिनम प्लेट, और ऐसे लगेगा जिससे वो पूरा ही हाइड्रोजन का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, तो ये प्लैटिनम जो प्लेट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम प्लेट का बना होता है, और जिसको हम डिप करते हैं किसके अंदर, वन मोलर सॉल्यूशन के अंदर, तो हाइड्रोजन गैस को कंटिन्यूसली पास करते रहते हैं इसके प्लैटिनम प्लेट के अंदर, ताकि हाइड्रोजन गैस क्या हो जाए, एक्युमुलेट या एडजॉर्ब हो जाए, और ये इलेक्ट्रोड बनेगा, और फिर जिसकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेयर करनी है हमने बेटा, जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेयर करना चाहेंगे उसके लिए हम ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और फिर कंपैरिजन में जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करनी है उसको कंपेयर हाइड्रोजन के साथ ही करते हैं बेटा, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मेजर करनी है तो उसको कंपेयर हम हाइड्रोजन के साथ ही करते हैं। इधर देखो, चलो इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन कर लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, अब हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ,
हम जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं बेटा, जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो हमें एक वोल्टेज सेल बनाना पड़ेगा। अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो हमें एक वोल्टेज सेल बनाना होगा। देखो जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करनी है तो हमें एक वोल्टेज सेल बनाना होगा जिसके अंदर क्या रहेंगे हम, जिंक की प्लेट है जिसको डिप करेंगे किसके अंदर, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। अच्छा साल्ट ब्रिज होगी ये, बेटा इस साल्ट ब्रिज है ठीक है, साल्ट ब्रिज केसीएल जेली बनी गई, इसका काम है आयन को डिफ्यूज करना, आयन्स की एक्युमुलेशन को रोकना, आयन्स की एक्युमुलेशन को रोकना, कहीं आयन्स ज्यादा एक्युमुलेट ना हो जाए या चार्जेस कहीं ज्यादा बढ़ ना जाए। चार्जेस होती है ना, अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है एक साइड पर पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं दूसरी साइड पर नेगेटिव आयन बढ़ जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये साल्ट ब्रिज लगेगी ताकि इनके जरिए आयन ट्रांसफर होंगे, इनके जरिए क्या होंगे आयन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं ठीक है, इसके जरिए आयन के ट्रांसफर होते हैं। अच्छा ये पोटेंशियल मीटर है, ये आपको वोल्ट मीटर रीडिंग बता देगा, ये बेटा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर या पोटेंशियल मीटर या आपको रीडिंग के बारे में बता दे रहा हूं। हाँ अब देखो आपको पता है कि इस तरह की इनकी है, ऐसे रिएक्शन होता है, ये जिंक आयंस है, जिंक आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिंक मेटल बन जाता है, सॉलिड, और जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है ठीक है वो -0.76 है, और हाइड्रोजन आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं हाइड्रोजन गैस बन जाती है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है 0.04 ठीक है। हाँ अब क्या होगा, अब ये कि जिंक की तो रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जब जिंक को कंपेयर करेंगे कॉपर के साथ और जिंक को कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जो जिंक की प्लेट होगी वो ऑक्सीडाइज होगी, क्योंकि बेटा जिंक की वैल्यू हाइड्रोजन के मुकाबले में कम है। मैंने आपको पहले बता दिया रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करना है, तो जिंक की वैल्यू नेगेटिव की है तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो इस तरह करेंगे, इस तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर कर रहे हैं, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिंक से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा निकल रहे हैं, और किधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हाइड्रोजन आयन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कैसा रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन जिंक का रिवर्स हो जाएगा, तो जिंक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा 0.76 की पोटेंशियल वैल्यू है, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.76 है, और हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 0.04। अच्छा रिएक्शन इस तरह हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस हाइड्रोजन आयंस, एरो जिंक आयंस प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा ई सेल जो बराबर होता है ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, डिफरेंस बताता है
बेटा ये डिफरेंस बताएगा पोटेंशियल का, ये होगा 0.0 वोल्ट प्लस 0.76, तो जवाब आएगा 0.76 वोल्ट। तो यहां पे पोटेंशियल मीटर रीडिंग देगा 0.76 वोल्ट। और ये जिंक की वैल्यू तस्वर की जाएगी। अब देखो जिंक को जब आपने हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया, अब जिंक की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेलू करना चाहते हैं हाइड्रोजन से कंपेयर करके। बेटा जिंक एक वोल्टिक सेल बनाया जिसमें जिंक की प्लेट को आपने डिप कर दिया जिंक सल्फेट के अंदर। देखो जिंक की प्लेट को आपने डिप किया जिंक सल्फेट के अंदर, जिंक सल्फेट के वन मोलर सोल्यूशन के अंदर। अच्छा दूसरी साइड पर प्लैटिनम की प्लेट है जिसको आपने डिप किया वन मोलर सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अंदर मुसलसल वन हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं वन एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, वन एटमॉस्फेयर प्रेशर पे आप हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, ठीक है। और प्लैटिनम प्लेट क्या करती है, प्लैटिनम प्लेट पर हाइड्रोजन गैस एक्युमुलेट हो जाएगी और ऐसे लगेगा जैसे पूरा ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लूड्स होना शुरू करेगा, रिएक्शन खुद ही स्पॉन्टेनियस है, ये जिंक ऑक्सीडाइज होना शुरू करेगा। जिंक देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के जरिए कहां पे जाएंगे, इधर जाएंगे। और इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हाइड्रोजन आयंस है, बेटा ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस मौजूद है। अच्छा वही हाइड्रोजन आयन जो सल्फ्यूरिक एसिड वाले या एसिड वाले हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाएंगे इसमें, तब जाएंगे हाइड्रोजन गैस। अब क्या होगा जब हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस हो जाएंगे, बेटा इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस है वो रिड्यूस हो गए, ये आयंस रिड्यूस हो गए, तो अब क्या होगा, यहां पे सल्फेट आयन बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहां पे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, ये मेटल की प्लेट ऑक्सीडाइज हुई है, तो यहां पे जिंक आयंस बढ़ जाएंगे, फिर आयन की ट्रांसफर होगी, आयन की ट्रांसफर होती है, आयन डिफ्यूज होते हैं ताकि कहीं भी चार्ज की एक्युमुलेशन ना हो, सॉल्यूशन एज ए होल रिमेन न्यूट्रल न्यूट्रल रहे, ठीक है। इसलिए साल्ट ब्रिज लगाई गई है, अगर साल्ट ब्रिज ना होती तो करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि चार्ज की एक्युमुलेशन हो जाती। अच्छा अब इससे हमने पता चला कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर हाइड्रोजन जो रिड्यूस हुई है, तो ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। बेटा ये जो पोटेंशियल मीटर बता रहा है ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो जिंक में हो रही है ना, जिंक में क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसका मतलब ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट। और ये कंपेयर कहां से की हमने हाइड्रोजन से, इससे अब जिंक की जगह पे कॉपर रखेंगे, आयरन रखेंगे, सिल्वर रखेंगे, ये जितने भी एलिमेंट्स जिनकी आपको सीरीज पूरी दिखाई गई है, देखो पूरी सीरीज है, ये लिथियम से शुरुआत है इनकी, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, क्वाडमियम, निकल, टिन, पीपी, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है। ये बेटा पूरी सीरीज है, ये जितने भी एलिमेंट्स है इनकी सबकी जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है ये सब हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई है। इसका मतलब है किसी के भी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं है, कंपेयर करके हाइड्रोजन से हमने निकाली है, ठीक है। ये इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, ये बेटा इलेक्ट्रो पोटेंशियल रिलेटिव की कोई कंपैरिजन है, हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस मिला है हमें, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं मिली, तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रो पोटेंशियल ठीक है बेटा, ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स या टू हाफ सेल्स, ये जो दो हाफ सेल का डिफरेंस है
बेटा ये जो दो हाफ सेल्स है ना, देखो जिंक और दूसरा हाइड्रोजन और क्या डिफरेंस आया है, ये जो वैल्यू मिली एक्चुअली डिफरेंस की मिली है, मेरी मिली है एब्सोल्यूट जिंक की नहीं मिली, ये डिफरेंस है हाइड्रोजन और किसका, जिंक का। और इसलिए रेफरेंस के लिए हमने हाइड्रोजन को ही यूज किए, यूज किसको किया हमने, हाइड्रोजन को, ताकि डिफरेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब सब एक जगह पे हाइड्रोजन ही होगी, एक जगह पे क्या होगी हाइड्रोजन होगी, बाकी दूसरा मीटर हमने चेंज करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है सबके साथ हमने हाइड्रोजन ही रखा है। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन 180 एम प्रेशर एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, जिसको आवेश कहा जाता है यूनिट एक्टिविटी, इनके लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, यूनिट एक्टिविटी का मतलब है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और प्रेशर क्या हो 1 एटमॉस्फेयर, और कंसंट्रेशन क्या हो 1 मोलर हो, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज नेगेटिव, as compared to hydrogen. Hydrogen के मुकाबले में zinc की वैल्यू नेगेटिव है, hydrogen के मुकाबले में zinc की reduction potential नेगेटिव है, तभी तो zinc oxidize हो रहा है, तभी तो कुछ zinc oxidize हुआ, अगर zinc की वैल्यू पॉजिटिव की होती तो zinc oxidize नहीं होता, zinc reduce होता है, तो zinc जो होगा electron lose करेगा, zinc oxidize हो जाएगा, zinc is anode. जिंक क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, जबकि हाइड्रोजन के बारे में क्या है, हाइड्रोजन आयन से रिड्यूस टू हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो आयन्स होंगे रिड्यूस हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस के अंदर, जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो जाएंगे बेटा रिड्यूस हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में, हाइड्रोजन कैथोड, हाइड्रोजन जो होगी वो क्या होगी कैथोड हो जाएगी, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड वाला काम करेगा, देखो
ये एनोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, क्यों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, उसका मतलब है हाइड्रोजन आयन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होगा, जिंक से हाइड्रोजन की तरफ होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है जिंक और हाइड्रोजन का रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, बेटा ये जिंक और हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, जिंक सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन, इसका मतलब है जिंक में ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन आयन में रिडक्शन, जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, अंडरगो ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, अच्छा हाइड्रोजन आयंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन जो आयंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेटा जो हाइड्रोजन आयंस है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अंडरगो रिडक्शन, इनमें देखो रिडक्शन हो रही है, ये रिड्यूस हो रहे हैं, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर इसका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनाए बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो ये हो जाएगा, क्या हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करें, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो जिंक आयंस है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं जिंक सॉलिड के अंदर, रिडक्शन इसके अंदर ऑक्सीडेशन, ठीक है ऐड कर दो इसको, हाइड्रोजन गैस प्लस जिंक आयंस हाइड्रोजन आयंस प्लस जिंक सॉलिड, अब इसका निकालें ई सेल, अच्छा ई सेल निकालें, तो ई सेल होता है ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, अच्छा रिडक्शन किसके अंदर हो रही है, जिंक के अंदर, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल का पता होगा आपको, माइनस का 0.76 वोल्ट, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.0 है,
जो आपका माइनस का 0.76 वोल्ट, और ई सेल का जवाब जब नेगेटिव आया है तो उसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। हाँ, मगर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए करवा सकते हैं रिएक्शन, ये फोर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, बाकी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा जो से मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जिंक ऑक्सीडाइज हो और हाइड्रोजन रिड्यूस हो, ठीक है। तो आज ये है, कल हम पढ़ेंगे बाकी कोई कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ कॉपर की कंपैरिजन या हाइड्रोजन के साथ बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंपैरिजन, और फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है वो है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मेटल और उसके आयन के दरमियान, क्योंकि जब मेटल को उसके अपने आयनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो मेटल या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, या ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। वो डिपेंड करता है मेटल की कैपेबिलिटी पे, वो डिपेंड करता है मेटल की जो है सलाहियत पे, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है, ठीक है। उसी हिसाब से उसकी वैल्यूज है इलेक्ट्रो पोटेंशियल की। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव की है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव की है, तो उसका मतलब है मेटल कंपेरिजन के अंदर वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और जो दूसरा एलिमेंट है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव की होगी वो क्या होगा, रिड्यूस होगा।